परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, पूजनीय गुरुओं के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, आपने पालीताणा के जैन मंदिर के ऊर्जा और उसके रखरखाव के विषय में महत्वपूर्ण ग्रह हमारे साथ बांटा है। आपने ऊंजा की उमिया माता मंदिर में भी पधारे थे, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लिखित में सिर्फ इस मंदिर की नहीं लेकिन दुनिया के सभी धर्मों के देवस्थान के चक्रों की ऊर्जा के बारे में ज्ञान और उसके रखरखाव के लिए इस विषय में आपकी विशेष राय है, ताकि आज जो नए मंदिर बने वो सिर्फ इमारत न हो लेकिन उसमें चैतन्य के प्रवाह के होने का भी महत्व विश्व को प्राप्त हो। मेरे पहचान में अभी आप ही हैं जो मंदिरों की ऊर्जा के विषय में इतनी गहन खोज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो कृपया गुरुदेव हमें मार्गदर्शन कीजिए। सामान्यतः गुरु तत्व जब भी कभी किसी माध्यम से इस धरती पे अवतरित होता है तो वो उस समय की क्या आवश्यकता है, उस समय की क्या स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार अपना कार्य करता है। समाज को बैलेंस करने का, समाज को संतुलित करने का प्रयास करता है। गुरु तत्व कभी आता है तो बोलता है बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो इसका अर्थ क्या था? उस समय लोग बीड़ी और सिगरेट अधिक पी रहे थे। उसके बाद में कोई गुरु तत्व आता है वो बोलता है शराब मत पियो, इसका मतलब क्या है? उस समय लोग शराब ज़्यादा पी रहे थे। ठीक उसी प्रकार से कई बार गुरु तत्व ऐसा आता है जैसे धर्मों के बीच खूब मतभेद करके जो धर्म, जो उपासना पद्धतियाँ, धर्म तो एक ही है मनुष्य धर्म, लेकिन जो उपासना पद्धतियाँ मनुष्य की मनुष्यता जागृत करने के लिए निर्माण की थी, वही उपासना पद्धतियाँ जब मनुष्यता को ही नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसा जब गुरु तत्व देखता है ना तो वो धर्म के ऊपर प्रहार करता है, उपासना पद्धतियों पर प्रहार करता है। और सब उपासना पद्धतियाँ एक है और परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, सबका मालिक एक है, ये मैसेज देता है, ये संदेश देता है। कहने का अर्थ समय की मांग रहती है, समय की स्थिति रहती है, उस समय के स्थिति के अनुसार जैसी आवश्यकता रहती है वो आवश्यकता को पता करके समाज को बैलेंस करने का, समाज को संतुलित करने का गुरु तत्व प्रयास करते रहते हैं। ठीक वैसे ही अभी का नहीं लेकिन आज से 100 साल पहले, आज से 150 साल पहले जितनी भी मूर्तियाँ स्थापित की गई ना, वो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते समय कोई उद्देश्य रखा जाता था, किसी विशेष उद्देश्य से वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। देखिए इसके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस है। देखिए सबसे पहले होना चाहिए एक पवित्र पत्थर से निर्मित मूर्ति, मतलब मूर्ति ऐसी होना चाहिए जो एक पवित्र पत्थर से बनी हुई है। अब पवित्र पत्थर का ज्ञान किसका होगा? जो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होगा, जिसको वाइब्रेशंस का, जिसको पवित्रता का, जिसको एनर्जी का, चैतन्य का ज्ञान होगा, ऐसा ही व्यक्ति उस पत्थर को निर्मित करेगा। यानी अच्छे पत्थर से बनी मूर्ति, अच्छे पत्थर से बनाने वाले कारागिर से मूर्ति, यानी वो कारागिर भी उतना अच्छा होना चाहिए, अच्छा आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, अच्छे पत्थर से मूर्ति, अच्छे बने हुए कारागिर से मूर्ति। और तीसरा, जो मूर्ति को स्थापित कर रहा है ना
जो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति के अंदर भी उतने प्राण होना चाहिए, उतनी एनर्जी होना चाहिए, उतनी ऊर्जा होना चाहिए उसकी, उसके अंदर वो अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर सके। तीसरा, चौथा, मंदिरों में जो पुजारी आसपास रहते कि नहीं, और वो कितने भाव से करते हैं, वो पुजारी कितने अच्छे तरीके से, कितने पवित्रता से, कितने शुद्धता से उसका व्यवस्था देखते हैं, उसी के ऊपर मूर्ति के वाइब्रेशन निर्माण होते हैं। कितने भी अच्छे किस्म के वाइब्रेशंस, कितनी भी अच्छे किस्म की ऊर्जा किसी अच्छे संत ने, किसी अच्छे महात्मा ने उस मूर्ति में डाली हो, तो भी अगर उसका रखरखाव अच्छा नहीं हो, आपको अनुभव होगा कि मूर्ति के पास जाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मूर्ति के दूर जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने कई मंदिरों में देखा है, मंदिरों के दूर से देखोगे तो खूब अच्छे वाइब्रेशंस है, लेकिन अगर गर्भगृह के पास जाओगे तो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, तो मैं पहचान जाता हूँ कि वहाँ का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, वहाँ का पुजारी अच्छे नहीं है, और पुजारी लोग उसका रखरखाव अच्छे से नहीं रख रहे हैं। वाइब्रेशंस तो है लेकिन वो दूर से महसूस हो रहे हैं, पास से नहीं महसूस हो रहे। दूसरा, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जितने पुराने मंदिर बने ना, इन सब मंदिरों के अंदर ऐसे ही प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती थी। और दूसरा, अभी लोगों की क्या कल्पना है कि मूर्ति के सामने खड़े रहो तो ही मांगेंगे तो हमको मिलेगा, मूर्ति के पीछे खड़े रहे मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप देखना, प्रत्येक कोई भी मंदिर हो जहाँ पे अच्छे वाइब्रेशन से अच्छे ऊर्जा है ना, उस मंदिर के आगे नहीं, मंदिर के पीछे जाकर के खड़े रहो तो आपको ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होंगे। क्यों? क्योंकि आगे सब मांगते लोग खड़े रहते हैं, पीछे कोई नहीं जाता, उनको लगता है पीछे खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मूर्ति के अगर 25 फीट सामने वाइब्रेशन से ना, तो सराउंडिंग एरिया में पूरे गोल एरिया के अंदर वाइब्रेशन रहते हैं। इसीलिए मूर्ति की परिक्रमा की जाती है, इसीलिए मूर्ति को प्रदक्षिणा की जाती है। वही उद्देश्य है कि अच्छी ऊर्जा में, अच्छे स्थिति में हम बार बार रहें, गोल रहें, तो गोल परिक्रमा जो करते हैं ना, उसका उद्देश्य वही है कि अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो मूर्ति के चारों ओर वाइब्रेशन रहते, पूरे गोलाकार रहते हैं, तो इसलिए सिर्फ सामने रहते ऐसा नहीं, उल्टा सामने अच्छे नहीं रहते। क्यों? सब मांगने वाले लोग सामने ही खड़े रहते हैं, एक। और दूसरा, किस मंदिर में किस टाइप के लोग जाते हैं उसके ऊपर भी मंदिर की ऊर्जा निर्भर करती है। अगर भाव प्रधान लोग जाते हैं जो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत चित्त होकर जा रहे हैं, सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद में अपने काम पे जा रहे हैं। आप दक्षिण भारत में देखना, दक्षिण भारत में ये बहुत प्रचलित है। कोई दुकानदार भी होगा ना तो मंदिर में जाएगा, वहाँ 10 मिनट बैठेगा और उसके बाद में अपने दुकान पर जाएगा। कोई ऑफिस का भी क्लर्क हो, ऑफिसर हो ना, वो भी मंदिर में जाएगा, 10 मिनट वहाँ बैठेगा और उसके बाद में फिर अपने ऑफिस को जाएगा। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है, मंदिर की वाइब्रेशंस में अपने आप को संतुलित करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं और अपने काम पे जाते हैं, कुछ मांगते नहीं। वो दुकानदार वहाँ जाके कुछ भी मांगता नहीं है, और वो व्यापारी भी जाके वहाँ कुछ मांगता नहीं है, वो नौकर भी वहाँ जाकर के कुछ भी मांगता नहीं है, वो ऑफिसर भी वहाँ जाके कुछ नहीं, कुछ मांगने के लिए जाते ही नहीं है। वो तो केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, बैठते हैं। वास्तव में देखा जाए ना तो यही मंदिर का सही तरीका है। किसी भी अच्छे चैतन्य पूर्ण स्थान पर जाओ ना, वहाँ मांगने के लिए मत जाओ, क्योंकि जहाँ आप मांगने के लिए गए वहाँ आपका चित्त एनर्जी पे नहीं है, वहाँ आपका चित्त चैतन्य पे नहीं है, वहाँ क्या मिल रहा है उस पर है ही नहीं, वर्तमान में तो है ही नहीं। अरे बाबा, आप चैतन्य पूर्ण मूर्ति के सामने खड़े हो, वर्तमान में ये स्थिति है कि आप उसके सामने हो, वो आपके सामने, इस समय वहाँ का चैतन्य ग्रहण करना चाहिए, वो छोड़ करके अपने भूतकाल की समस्याओं पे चित्त डालते हैं, तो वहाँ जाने का फायदा क्या? कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे अपनी एनर्जी ग्रहण कर रहे हो, जहाँ आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो, उस स्थान पे आपका ऊर्जा पे चित्त ही नहीं, तो वहाँ जाने का कुछ भी उपयोग नहीं है। लेकिन अगर
उन स्थानों पर जाते हो और आपका चित्त आपकी समस्या पे नहीं आपके ऊर्जा के ऊपर जाता है, तो आपको बैलेंस करती है, आपको संतुलित करती है। और संतुलित आदमी का प्रयत्न भी संतुलित रहता है और उसका रिजल्ट भी संतुलित आता है। तो आवश्यकता है मंदिरों के चैतन्य की ग्रहण करने की आवश्यकता है। ऐसा अलग अलग जब भी मंदिरों में जाता हूँ तो महसूस होता है, जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा अगर वहाँ हो तो महसूस होती है। और महसूस होने के बाद में दूसरा इसके अंदर एक है, जैसे आपने बदला ना कि मैं जाकर के बताऊँ, इसमें मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, इसके अंदर आपको इच्छा करना पड़ती है। जब इच्छा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे वो पालीताना का बताया, पालीताना में जैन मंदिर के नीचे हमारा खूब बड़ा शिविर हुआ जैन मुनियों का, साध्वी जी भी थी, जैन मुनि भी थे, सब थे। और उसके बाद में वादीनाथ भगवान के मूर्ति की बात हुई, वहाँ के वाइब्रेशंस की बात हुई, वहाँ के चैतन्य की बात हुई। जिस प्रकार से बच्चे करते कि नहीं, थ्योरी करते हैं और बाद में प्रैक्टिकल करते हैं, तो थ्योरी तो हमारी 8 दिन खूब हुई। 8 दिन के पश्चात सबको जिज्ञासा हुई, जब मैं मूर्ति की बात करता था, वाइब्रेशंस की बात करता था, चक्रों की बात करता था, तो सब में जिज्ञासा हुई। तो सब जैन मुनि ने कहा अभी चलो ना आदिनाथ भगवान के अपन दर्शन करते हैं, और वहाँ कौन सी ऊर्जा है, वहाँ कौन सी एनर्जी है, उस एनर्जी को महसूस करेंगे। तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, केवल चित्त से ही वहाँ जाया जा सकता था। तो चित्त से ही जा करके जान लिया कि वहाँ नाभि चक्र के ऊपर वाइब्रेशंस रखे गए हैं। तो उनको सबको बताया कि नाभि चक्र पर वाइब्रेशन रखें, लेकिन वो सब बोले नहीं चलेंगे चलेंगे करके। तो हम सब आखिरी दिन वहाँ जाने को निकले, तो उसके थोड़े पहले एक मंदिर है, वो मंदिर के वहाँ जाकर के बैठ के हमने मेडिटेशन किया। मैंने उनको बोला कोई भी मंदिर में जाने के पहले साधारण तो कहते हैं हम दौड़ते भागते जाते हैं और दर्शन करते हैं भाग आता, ऐसा नहीं। जब वहाँ आप जा रहे हो ना तो शरीर से मत जाओ, हाँपते हुए मत जाओ, थकते हुए मत जाओ, पहले शांत चित्त होकर के बैठो, जो शरीर की थकावट है वो दूर करो, शांत चित्त। हम भी वहाँ पे ऐसे ही बैठे, एक आधा घंटा बैठे, ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, अपने आप को संतुलित किया, अपने आप को बैलेंस किया। जो चढ़ने के कारण पैर दुख रहे थे इसलिए थोड़ा अपने आप को शांत किया, बैलेंस किया, और उसके बाद में मंदिर में गए तो मंदिर की ऊर्जा ग्रहण कर पाए। तो उस समय में, जिस समय में उस मूर्ति की स्थापना हुई होगी, उस समय में सेटिस्फेक्शन की कमी होगी, समाधान की कमी होगी, तो वही उन्होंने जाना होगा कि वहाँ पे समाधान की कमी है। तो इसलिए उस मूर्ति के नाभि चक्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करते समय ऊर्जा को केंद्रित किया होगा। और केंद्रित करने का उद्देश्य क्या है, जो भी व्यक्ति यहाँ आए उसके नाभि चक्र के ऊपर उसके वाइब्रेशंस मिले, उस मनुष्य को समाधान मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। देखो स्थापना करने वालों का, प्राण प्रतिष्ठा करने वालों का तो उद्देश्य खूब विशाल रहता है, खूब बड़ा रहता है, लेकिन उसका उपयोग ऐसा होता ही है ऐसा नहीं है। उन्होंने एक ही उद्देश्य किया था, जो भी आए उसको समाधान प्राप्त हो, जो भी आए उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। देखिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे पहले आत्म समाधान की आवश्यकता है। जब तक आपको समाधान प्राप्त नहीं है, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं है, तब तक आपके अंदर एक अतृप्ति का भाव रहेगा ही, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, ये तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, वो चलती रहेगी एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक। लेकिन उनका उद्देश्य था कि जो भी व्यक्ति आए उसको आत्म समाधान प्राप्त हो। मैं शारीरिक समाधान की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्म समाधान का, यानी इच्छाओं से भी परे आत्मा का समाधान प्राप्त हो, आत्मा का सुख प्राप्त हो, आत्मा का आनंद प्राप्त हो। ऐसा आत्म समाधान इसको मिल जाए ना,
वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाएगा, और जब अंतर्मुखी हो जाएगा ना तो उसकी परमात्मा की खोज समाप्त हो जाएगी। बाहर भटकना, ढूंढना, ये सब बंद हो जाएगा, और वो अंतर्मुखी होकर के अपने ही भीतर परमात्मा को महसूस करेगा इतने विशाल दृष्टिकोण से कि कोई भी व्यक्ति देखे तो वह अंतर्मुखी हो जाए इतने विशाल दृष्टिकोण से। उसमें स्थापना की होगी, लेकिन उसको खूब नीचे के स्तर पे लोगों ने लिया, वहाँ जाकर के सेटिस्फेक्शन मिलता है। कौन सा? इच्छाओं का सेटिस्फेक्शन, धन का सेटिस्फेक्शन, संपत्ति का सेटिस्फेक्शन। तो जो मांगो वो मिलेगा, तो वहाँ तो बहुत बड़ा भंडार रखा हुआ है, लेकिन आपने केवल भौतिक चीज़ें मांगी, भौतिक समाधान मांगा। वहाँ भौतिक समाधान नहीं, वहाँ आत्मिक समाधान रखा हुआ है, लेकिन भौतिक समाधान मांगा तो भौतिक समाधान मिला। आप जो मांगोगे, जिस स्तर के ऊपर उसको ग्रहण करोगे, उस स्तर पे आपको प्राप्त होगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो मिलेगा। लेकिन उस दिन उनको मैंने अनुभव किया, क्योंकि जो ग्रुप लेके गए थे ना, वो ग्रुप भौतिक वाला था ही नहीं, वो सब साधु और साधियों का ग्रुप था। तो सचमुच सबके नाभि के ऊपर वाइब्रेशन महसूस हुए, सबके नाभि के ऊपर स्पंदन महसूस हुए, और उन्होंने कहा, स्वामी जी इतने सालों से हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, आज तक कभी भी ये अनुभूति कभी नहीं हुई, आज ही क्यों हुई? मैंने उनको कहा, देखिए खजाना कहाँ रखा हुआ है ये आज आपको पता चल गया, तो आपका चित्त उस खजाने पे गया है ना, और उसके बाद में फिर वही एनर्जी, वही ऊर्जा आप ग्रहण कर सके। देखिए आज आप गाइड के साथ आए, इतने दिन ऐसे आते थे, किसी भी स्थान पर जाओ, अकेले घूमो ना, ऐसे जाओ, घूम के फिर के देख के सब आ जाओ, लेकिन वहाँ का महत्व नहीं मालूम पड़ेगा जब तक आपके साथ में गाइड नहीं हो। मैंने उनको कहा, आज आपके साथ में गाइड है तो वो आपको बता सकता है, आपके साथ आज माध्यम है जो बता सकता है ये मूर्ति के सामने कहाँ चित्त रखना चाहिए, इस मूर्ति में कहाँ वाइब्रेशंस रखे हुए, तो जहाँ वाइब्रेशंस रखें वहाँ पर अगर आप चित्त डालोगे, देखिए चैतन्य एक जगह, आप चित्त दूसरी जगह डाल रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। चैतन्य जहाँ है वहीं पे बराबर अगर आपका चित्त जाता है तो सीधा उस नाभि का चैतन्य आपके नाभि पे स्पंदन के रूप में महसूस होना चालू हो जाता है। जबकि हम मूर्ति के पास में नहीं थे, हम मूर्ति से खूब दूर थे, मूर्ति के पास तो खूब भीड़ थी, मूर्ति से भी डिस्टेंस रखना चाहिए। मूर्ति भी जीवंत मूर्ति जो रहती है ना, उसको भी सांस लेने की आवश्यकता रहती है, उसको भी एनर्जी लेने की आवश्यकता रहती है, उसको भी अपना क्लींजिंग करने की आवश्यकता रहती है, उसको भी अपना स्वच्छ करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए उसके लिए स्पेस चाहिए, इसलिए जगह चाहिए। इसलिए आप देखो साउथ के अंदर कोई भी मंदिरों में जाओ ना, आपको मंदिर के पास में जाने को ही नहीं मिलेगा। हुआ ना, एक साधिका ने बताया था, वो राजस्थान में किसी होटल के अंदर रुकी थी, वो होटल किसी राजमहल का था, और राजमहल में पीछे एक अम्बा देवी का मंदिर था, लेकिन वो अम्बा देवी का पुजारी ने कहा, राजा का मंदिर है लेकिन आज तक राजा भी इस गर्भगृह में नहीं आया, यहाँ पंडित के अलावा किसी को अलाउड नहीं है। ऐसे जब कड़े नियम रखे जाते हैं तभी जाके वहाँ पे एनर्जी रहती है, वहीं पे जाके ऊर्जा रहती है। क्या होता है वो एक, अरे ऊर्जा मूर्ति ये तो छोड़ो, आप देखो ना किसी के यहाँ छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, अपन हॉस्पिटल में जाते कि नहीं, आते बराबर डॉक्टर क्या बोलता, नहीं बाहर से आए हो ना, चप्पल बाहर निकल के आओ, और उसके बाद में बच्चे को छो मत, दूर रहो, बच्चा संवेदनशील है, जाते ही बराबर बाहर से जाकर के तुम तुम्हारी गंदी ऊर्जा, खराब ऊर्जा उस बच्चे में मत डालो, बच्चा एकदम पवित्र है, बच्चा एकदम शुद्ध है। ठीक वैसे ही मूर्ति भी एकदम शुद्ध है, मूर्ति भी एकदम पवित्र है, वो तो कहीं जाती ही नहीं ना, तुम तो बस स्टैंड पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, बाजार में जाते हो, टॉकीज में जाते हो, मूर्ति जाती क्या कहीं? कहीं नहीं जाती, वो एक ही स्थान पे बैठी हुई है, और बैठे 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 उसका एक आभामंडल निर्मित हो गया है, उसका एक ओरा निर्मित हो गया है, उस ओरा के अंदर तुम आकर के बाहर से गंदी ऊर्जा मत डालो, उससे डिस्टेंस रखो। देखिए मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने वाले अपने स्तर पे प्राण प्रतिष्ठा करके गए, लेकिन आप कितना उसके संभाल करते हो, कितना संजोते हो, आप कितना पवित्रता रखते हो, कितनी शुद्धता रखते हो, इसी के ऊपर
तो मूर्ति की पवित्रता आगे कितने सालों तक रहेगी ये निर्भर करता है। इसीलिए आवश्यकता है मूर्तियों को टच न किया जाए, खूब दूर रखो, 20 फीट 25 फीट जितने दूर रहो। दूसरा आप देखना, मूर्ति को टच करके भी जो नहीं मिलेगा, जो मूर्ति को दूर करके मिलेगा, यानी अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप दूर से भी उसका दर्शन करके भी वाइब्रेशन ग्रहण कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन हैं तो आप मूर्ति को टच भी कर लो, कुछ नहीं होगा। तो आप ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, आप देखो ना आप किस स्थिति में हो, उस स्थिति में आप ग्रहण कर सकते हो। इसलिए अरे बाबा तुमको नहीं ग्रहण करते आ रहा है तो दूसरों को ग्रहण करने दो ना, मूर्ति की एनर्जी क्यों खराब करते हो। तो मूर्ति से एक डिस्टेंस रखो, एक अंतर रखो। तो उस समय उन जैन मुनियों को समझाएं इसके नाभि चक्र में वाइब्रेशन से, नाभि चक्र में वाइब्रेशन होने के कारण अगर हम चित्त नाभि पे रखेंगे तो हमको स्पंदन महसूस होगा। लेकिन वहाँ पे वो मुझे लेकर के गए थे, एक वही प्रकार है, जब तक कोई इच्छा नहीं प्रदर्शित करता ना, जब तक कोई लेके नहीं जाता है तब तक खुद वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं, कोई मंदिर में जाने की इच्छा नहीं, कहीं पे भी जाने की इच्छा नहीं, मैं मेरे जीवन में तृप्त हूँ। लेकिन आप बोलोगे कि आप मंदिर नहीं जाते, जाता हूँ ना, ऐसा जाता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों को लेकर सर्कस दिखाने जाती है। अब बताओ माँ को सर्कस में कोई इंटरेस्ट है क्या? हाथी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शेर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भालू में इंटरेस्ट नहीं है, सर्कस के जोकर में इंटरेस्ट नहीं है, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाती है और सर्कस के पूरे समय वो वहाँ रहती है। क्यों? बच्चे खुश होना चाहिए, बच्चे प्रसन्न होना चाहिए, बच्चों को सर्कस अच्छा लगता है इसलिए जाती है। बस ऐसे ही मैं भी जाता हूँ, मैं भी मंदिरों में जाता हूँ कि मेरे साथ के साधक खुश होना चाहिए, साधिकाएँ खुश होना चाहिए, वो प्रसन्न हो, उनको अच्छा लग रहा है ना इसलिए जाता हूँ। हुआ था ना पशुपतिनाथ के मंदिर में, जब अभी नेपाल में शिविर हुआ था ना तब गए थे, और उसके बाद में वहाँ के ट्रस्टी मुझे मिलने के लिए आए, तो उनको मैंने ये मूर्ति के बारे में बताया, वाइब्रेशंस के बारे में बताया, और उनको भी मैंने बताया कि ये साधकों की इच्छा थी कि मैं पशुपतिनाथ का दर्शन करूं, इसलिए मैं आया हूं। ये तो दर्शन करने के लिए वहां आने की आवश्यकता नहीं है, आंख बंद करो तो दर्शन हो जाते हैं, चित्त से जोड़ा जा सकता है वहां की एनर्जी के साथ, वहां की ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। तो वो बोले स्वामी जी फिर ऐसा प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? मैंने उनको बोला आप शिविर के अंदर आओ, आप आखिरी दिन हम पशुपतिनाथ के मंदिर के वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। तो सचमुच उस दिन खूब अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हुए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे महसूस होता है। मैंने कहा नहीं, चित्त से जोड़ा जा सकता है, चित्त से आप उस स्थान से उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसलिए जब तक कोई इच्छा नहीं करता ना तब तक नहीं होता। ऐसे ही वो उंझा का भी हुआ था, जब मेहसाणा में शिविर हुआ था तो हमारे एक ट्रस्टी हैं सुरेश पटेल, वो गोवा से आते हैं, उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की स्वामी जी यहाँ हमारे माता जी का मंदिर है, अपन चलेंगे क्या? इनके ठीक है ये शिविर हो जाए उसके बाद में चलेंगे दूसरे। तो वो मुझे उस दिन उस शिविर में लेके गए, और जब वहाँ पे गए ना वहाँ पे कुछ अलग ही अनुभूति हुई, अलग अनुभव हुआ। देखिए जब कभी कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय कोई उद्देश्य होता है, नाभि चक्र पे वाइब्रेशंस होगा, अगर वहाँ पे भय का वातावरण है, डर का वातावरण है, तो हृदय चक्र पे वो ऊर्जा को स्थापित करेंगे। यानी जिस समय प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उस समय जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस स्थान पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस चक्र पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन वहाँ पे एक अलग ही अनुभूति हुई, वहाँ के पुजारी जी भी मेहसाणा के शिविर में आए थे, और उसके बाद में उन्होंने मेरे माध्यम से पूजा करवाई, तो मुझे वहाँ के मूर्ति के खूब निकट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस दिन ऐसे ही जानने को मिला कि वो उस मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की है ना, कोई उद्देश्य से ही नहीं किए, कोई हृदय चक्र पे प्राण नहीं डाले, कोई नाभि चक्र पे प्राण नहीं डाले, यानी किसी ने अपने जीवन भर की साधना, अपने जीवन भर की अंतर्मुखी स्थिति उसके अंदर डाली हुई है, कोई पर्टिकुलर कोई उद्देश्य नहीं है, ना नाभि चक्र पे डालने का उद्देश्य है, ना हृदय चक्र पे डालने का उद्देश्य है, ना आगे कोई उद्देश्य नहीं, कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसीलिए वो पूरे मूर्ति के अंदर सब पूर्ण वाइब्रेशंस है, तो किसी चक्र विशेष पे नहीं है, किसी विशेष चक्र पे नहीं, कहीं पे भी नहीं है। आप ऐसे जाओ तो भी सिर्फ वहाँ पे, मैं बार बार बोलता हूँ
मांगने मत जाओ, कुछ नहीं, शांत चित्त होकर के जाओ, एक 10 मिनट बैठो। बैठने के बाद में वो माता के मंदिर के वाइब्रेशन ग्रहण करो, तो ऑटोमेटिकली आप संतुलित हो जाओगे, आप बैलेंस हो जाओगे। और वहाँ जाने के पहले अपनी समस्याएं छोड़ करके जाओ, अपने प्रॉब्लम छोड़ करके जाओ। तो वही उस दिन अनुभव हुआ कि जिन्होंने भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की होगी ना, उन्होंने कोई उद्देश्य नहीं था, कोई टारगेट नहीं, मैंने किसी विशेष चक्र पे ही नहीं, पूरे मूर्ति के अंदर वाइब्रेशन से, छोटी सी मूर्ति है, छोटी सी प्रतिमा है, लेकिन किसी ने अपनी साधना की समूची अंतर्मुखी शक्तियाँ उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते समय डाली हुई है। इसी के कारण पूरे मूर्ति में वाइब्रेशन से कहीं पे किसी विशेष चक्र पे चित्त रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे ही सामने बैठोगे ना, तो पूरे अब जो मैं बात ही कर रहा हूँ तो भी वहाँ के वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं, आप भी इस समय वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। मैं उस समय जब गाया था ना, तो इस समय चित्त से वहीं पे हूँ। तो उस मंदिर के मूर्ति की ऊर्जा, उसके वाइब्रेशंस यहाँ बैठ करके भी आप फील कर सकते हैं, क्योंकि चित्त से मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए।
नमस्कार। गुरु की एक विशेषता है, वो अपने पास कुछ रख ही नहीं सकता, उसके पास अपना कुछ रह ही नहीं सकता। दूसरा, चित्त न खुद कहीं नहीं जाता, चित्त को ले जाना पड़ता है। तो आज महेश पटेल जी के प्रश्न के कारण हम सब की उमिया माता मंदिर की ऊंझा की यात्रा हो गई, और जैसे वहाँ के चैतन्य को ग्रहण करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा ये प्रसाद क्यों न मैं सब में बांटूं, इसीलिए आप सबको इसमें शामिल किया। इसमें ना अध्यात्म में कोई नाटक नहीं है। एक बार हुआ था, यूके में गया था तो एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में फोटो निकालने के लिए गए। उसने बोला, स्वामी जी एक ध्यान के लिए पोज दो ना। तो ध्यान के लिए कोई पोज थोड़ी देते हैं। फिर मैं ध्यान में चला गया, उसने 200 फोटो निकाल ली। तो ध्यान का ऐसा कोई पोज थोड़ी दिया जा सकता है। उसी प्रकार से जब वहाँ के मंदिर के चैतन्य की बात कर रहे हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि वहाँ चित्त चला ही जाएगा। और चित्त वहाँ चला जाएगा तो वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की एनर्जी हमको अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। तो आज वहाँ हम यात्रा करके आए तो थोड़ा याद रखो, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कोई ले जाने वाला चाहिए। चित्त पे मेरा नियंत्रण नहीं, चित्त स्थित रहता है, कोई लेके जाए वहाँ चलो गए, जाने के बाद में ऑटोमेटिक पता चलता है। और कई बार कई स्थानों में सुप्त रूप में एनर्जी ऊर्जा छुपी हुई रहती है, लेकिन जब तक वहाँ पे कोई रिसीविंग करने वाला, जब तक कोई वहाँ पे ग्रहण करने वाला व्यक्ति नहीं जाता ना, तब तक वो एनर्जी वो ऊर्जा वहाँ पे स्थित रहती है। वहाँ से उसको एक बार उसका प्रवाह चालू हो गया तो फिर उसके अंदर सब लोग नहा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे कई स्थान होंगे, लेकिन जब तक कोई लेके नहीं जाता मैं खुद होके वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि खुद मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने लेके गए तो जाता हूँ। ऐसा तो ऐसा ही यह प्रकार था। तो कहने का अर्थ ऐसे अगर कहीं जाए तो जा करके देखा जा सकता है, बताया जा सकता है, मालूम हो सकता है। और दूसरा, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये चित्त की दशा है। अब जैसे अपन पुराने जमाने में सुनते ना, वो त्रिकाल ज्ञानी है। त्रिकाल ज्ञानी मतलब उसको तीनों कालों का ज्ञान है, भूतकाल भविष्यकाल सब कालों के बारे में बता सकता है। लेकिन वास्तव में ये चित्त की दशा है। चित्त अगर स्ट्रांग हो गया, चित्त अगर मजबूत हो गया तो वो भूतकाल में भी जा सकता है, भविष्यकाल में भी जा सकता है, वर्तमान काल में भी जा सकता है, जहाँ चाहिए वह जा सकता है। लेकिन उसको ले जाना पड़ता है, खुद नहीं जाएगा। मैं कई बार ये बच्चों को भी समझाता हूँ, तुमको जो कुछ प्रोग्रामिंग है ना वो प्रोग्राम मेरे को बताओ, सडनली मत कुछ चेंज करो। मैं उनको समझाता हूँ कैसे, उदाहरण से जैसे एक हैवी टैंकर है, हम देखते हैं कि नहीं हाईवे के ऊपर एक हैवी टैंकर चल रहा है, वो ऐसे झिकझैक ऐसे नहीं चल सकता, वो एकदम शांत से धीरे 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 चलेगा, खड्डे में नहीं उतरेगा, संभाल के जाएगा, क्योंकि वो खूब भारी रहता है, उसमें मूवमेंट नहीं रहता है। वही एक मोटरसाइकिल वाला आएगा, उसको कट मार के आगे निकल जाएगा। तो वैसे जिनका हल्का चित्त है वो तो इजी वे में फटाक से ये किया वो किया, वो मैं उनको बोलता हूँ सब फिक्स प्रोग्राम मेरे को दो, उसके बाद में मेरे को डिस्टर्ब मत करो। फिर मैं एकदम, और जो कुछ है आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं खराब से खराब जगह जा रहे हो, मेरे को बता के जाओ ना यहाँ जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बराबर उसका प्रोटेक्शन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली एकदम सडनली कुछ आया हुआ नहीं चेंज सहन होता। लेकिन बराबर, क्योंकि चित्त को मोड़ना, जैसे टैंकर को एकदम सडनली नहीं मोड़ सकते ना, उसी प्रकार से एक सशक्त चित्त का माइनस पॉइंट ही उसको सडनली नहीं चेंज है, और उसकी इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, वो तकलीफ मेरे से कोई नहीं जान सकता, कोई भी पहचान नहीं सकता कि क्या परेशानी होती है क्या रहती। और बार बार इन लोगों को उतना उसका जानकारी नहीं है कि कितना परेशानी होता, कितना तकलीफ होता। इसलिए अच्छे चित्त का, स्ट्रांग चित्त का माइनस पॉइंट ये, उसको एकदम ट्विस्ट नहीं किया सकता, एकदम चेंज नहीं किया सकता, तुमको लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे जब तक कोई लेके नहीं आएंगे ना,
ऐसे मंदिरों में तब तक मैं खुद होकर नहीं जाऊँगा, किले के गए तो जाऊँगा, किसी ने इच्छा प्रदर्शित कर जाऊँगा।